एक आदमी दुबई गया, बड़ा शौक था उसको दुबई में ना, दुबई में, दुबई का पता नहीं लोगों ने क्या था। मैं दुबई गया हूँ, वहाँ नौजवानों ने मुझे कहा कि हज़रत कोई दुबई के ख़िलाफ़ बयान कर दें, कोई यहाँ कोई सोने के सिक्के नहीं मिलते। जो बंदा दुबई में हो, माँ बाप समझते हैं पता नहीं कितने नोट छाप रहा होगा। तो भाई जब वो दुबई में तनख्वाह ले रहा है, लेकिन वहाँ उस पर खर्चे भी तो उसी हिसाब से हो रहे हैं ना, खर्चे भी तो वहाँ तो चाय 50-55 रुपये की तो चाय है, बल्कि 100 रुपये की चाय पड़ती है मेरा ख्याल है। तो अब वो दुबई चला गया बेचारा, कहते ना बद से बदनाम, कह रहा है मैं बेगम को भी ले गया। बेगम ने कहा, वही फुलतुर वाला बयान सुना होगा उन्होंने कहीं, कह रहा है मेरी तो सारी तनख्वाह, कह रहा है मैं फ्लैट में 2 महीने रहा हूँ, एक बाल्टी और एक मग्गे के सिवा कोई चीज़ भी खरीद नहीं सका मैं 2 महीने तक, एक बाल्टी और एक मग्गे में गुजारा किया, इतनी महंगाई। कह रहे हमने जॉब छोड़ के भाग आया, मैंने कहा यार यहाँ तनख्वाह कम है मगर कम से कम कुछ खरीद तो सकता हूँ ना मैं, सस्ताई भी तो उसी हिसाब से है। तो खैर ये तो एक इल्मी नुक्ते की बात थी कि जहाँ जाओ जॉब में अगर अल्लाह ने वसाइल दिए हैं तो बेगम को साथ दिए, कोई लाइफ नहीं है कि ये इधर रह रही है आप उधर रह रहे हो, फिर बच्चों से आपका ताल्लुक वो नहीं रहता जो होना चाहिए, बच्चों की तरबियत नहीं हो सकती, उन पे नज़र नहीं हो सकती, बहुत सारे मसाइल होते हैं। खैर तो जल्दी से बात को समेटता हूँ, शैतान को अल्लाह ने ऑप्शन दिया कि तू जितना चाहे गुमराह कर, मगर आदम अलैहिस्सलाम को ये सहूलत दे दी कि अगर आपसे गलती हुई तो तौबा का ऑप्शन बोलो खुला हुआ, सच्चे दिल से तौबा कर लेना। तभी तो आदम से गलती हुई, तौबा की तो मूसा अलैहिस्सलाम ने मलामत की तो आदम अलैहिस्सलाम ने उस मलामत का फौरन जवाब दे दिया कि भाई ये मलामत बनती नहीं है क्योंकि तौबा कर चुके थे। तो आदम अलैहिस्सलाम शैतान से भी गलती हुई, अकड़ गया, आदम से भी गलती हुई, शैतान ने करवाई, ये ना खाना खा लिया। कुरान कहता है जैसे ही आदम को सज़ा मिली है वो सबसे पहली सज़ा हमने जन्नत का लिबास छीन लिया,